उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। राहुल ने संसद में बोलते हुए सत्ता पक्ष को राष्ट्रद्रोही कहा। मणिपुर मोदी का अब तक ना जाना इनके राष्ट्रद्रोही होने का प्रमाण है। उन्होंने हिंदुस्तान को मार दिया है। यह सरकार राष्ट्रद्रोही है। राहुल गांधी ने आज संसद में मणिपुर मसले पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी केवल दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की और गौतम अडानी की। रावण की ही तरह जो केवल मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनते थे। राहुल ने अपने भाषण को शुरू में बहुत ही अधिक विनम्र रखा, परंतु धीरे धीरे उन्होंने तीखा होते हुए यह कहा कि यह लोग देश में आग लगाने के लिए किरासन तेल फैला रहे हैं। मणिपुर में आग लगाने के बाद इन्होंने किराशन और चिंगारी हरियाणा पहुंचा दी है। लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने एक समय राहुल गांधी को टोका। राहुल तब अपने विपक्षी को भारत माँ के हत्यारे कह रहे थे। ओम बिरला को राहुल ने जवाब दिया, उनकी दो माँ हैं, एक संसद में साथ बैठी है, भारत माता उनकी दूसरी माँ है। राहुल ने मणिपुर में लोगों के साथ और खासकर महिलाओं के साथ के अपने अनुभवों का तथा भारत जोड़ो यात्रा के कठिन अनुभवों का वर्णन किया। इस आधार पर उनकी बातें अब दिमाग से नहीं दिल से निकलती हैं। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं। देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, आप भी राजे। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही में बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या